हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूअर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूअर में। और जैसा कि आपके अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मुश्किल से 5-6 दिन है आपके पास, तो इसके लिए इस समय इस वीडियो को रिलीज़ करना, जैसे कि आज संडे है, बेस्ट मोमेंट है। और मैं भी ये चीज़ सोच रहा था कि आपका संडे को इस वीडियो को रिलीज़ किया जाए, ताकि आपको भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आंकने का आपको जरिया मिल जाए। उसके पहले मैं दोस्तों बता दूं कि अगर किसी के इसमें कम मार्क्स आते हैं तो उन्हें कोई डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस आपका डे होना चाहिए, आपने प्रिपरेशन कर ली, आप एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आपका दिन है वहां पे तो आपका लक भी वहां पे काम करेगा, तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहां पे कैसा आपका क्वेश्चन आना है तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि जैसे 125 क्वेश्चन ही आने हैं, तो इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा समय देता जाऊंगा। उसमें आप खुद एक काम करिएगा कि नोटबुक में खुद अपने से ही उसका आंसर करते जाइएगा, और आप लास्ट में देख सकते होगे कि आपने कितने आंसर सही किए। तो अगर आपने 50 से 55 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो दोस्तों ऐसा मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर उससे ज़्यादा होती है तो इवन आप वहाँ पर रैंक भी अच्छी ला सकते हो। तो दोस्तों चलिए अपना शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि द रेंज ऑफ नियर इंफ्रारेड रीजन, वो इन चार ऑप्शंस में से क्या है? विस्पल टू 1.2, 1.2 टू 2.5, या 2.5 टू 25, या 25 टू 300। तो क्वेश्चन है आपका कि द रेंज ऑफ नियर इंफ्रारेड रीजन। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहां पूछ रहा है नियर इंफ्रारेड रीजन, फार नियर, है ना। तो ये जो क्वेश्चन रखे हैं मैंने, इसमें आधे क्वेश्चन मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं बुक से, और आधे क्वेश्चन क्या है कि आपके गूगल से लिए गए हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल किए जाएं जिससे आप खुद जब बुक उठा के देखोगे इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को, या आप उन चैप्टर्स को पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में आएंगे। तो इससे क्या है कि आगे पीछे के जो बाकी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आपकी अपने आप कवर होती जाएंगी। तो इसका आंसर है दोस्तों 2.5 टू 25। तो जब आप ये क्वेश्चन आप अपने एनालिसिस बुक में देखते हो, चैटवाल बुक में देखते हो, तो कोई भी जो एनालिसिस बुक है तो उसमें आप देखो, जब इसको पढ़ने जाओगे तो साथ में जो बाकी चीजें हैं वो भी आप पढ़ लोगे। मेरा मेन मोटो यहाँ पे ये रहा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका कि सोर्सेज ऑफ IR रेडिएशंस आर इनकैंडेसेंट लैम्प, नर्नेस ग्लोवर, ग्लोबर सोर्स, या मर्करी आर्क, या नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। सोर्स ऑफ IR रेडिएशंस आर इनकैंडेसेंट लैम्प, नर्नेस्ट ग्लोवर, ग्लोबर सोर्स, मर्करी आर्क, इनमें से कोई नहीं, या सारे ही जो हैं वो IR रेडिएशन के सोर्स है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। फिर मूल टेक्निक इज यूज्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड, सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड, सैम्पलिंग ऑफ गैसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो मिल टेक्निक है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड के लिए, सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड्स या गैसेस के लिए, या सारे के लिए, सॉलिड लिक्विड गैसेस सब के लिए ही मिल टेक्निक यूज किया जाता है। तो मिल टेक्निक का जो राइट आंसर है वो सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली 0.4% फॉर एवरी सेल्सियस डिग्री इंक्रीजेज इन टेम्परेचर इज द बेस ऑफ विच डिटेक्टर्स इन IR। तो दोस्तों ये जो फैक्ट है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीज करता है 0.4% फॉर एवरी सेल्सियस डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो आपका रेजिस्टेंस है मेटल में वो इंक्रीज होता है अप्रोक्सीमेटली 0.4%। तो ये किस डिटेक्टर का बेस है? थर्मोकपल का है, बोलोमीटर्स का है, थर्मिस्टर्स का है, या गोले सेल्स का? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है बोलोमीटर्स। विच इज नॉट द प्लेन डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन ऑफ Ab2 मॉलिक्यूल। तो इसमें से कौन सा, आपको ये भी ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में, अगर नॉट, बच्चे बहुत बार सबसे ये गलतियां हो जाती है, तो थोड़ा सा वहां पे आप सतर्क रहेंगे, कॉशियस रहेंगे, नॉट जरूर देखें, अगर नॉट है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, उस क्वेश्चन को सही से पढ़ें। विच इज नॉट द प्लेन डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस ऑफ Ab2 मॉलिक्यूल। तो इसमें से कौन सा नहीं है प्लेन डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन ऑफ Ab2 मॉलिक्यूल, तो ये आपको बताना है।
ऑप्शन है आपके सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग या एसिमेट्रिक। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है एसिमेट्रिक। देखो इन क्वेश्चंस को एक्चुअली आपको आंसर बताने के लिए इनको मेमोराइज ना करके मैंने कोशिश की है, यहाँ पे अपने लिए एक हिंट रखा हुआ है ताकि मैं आपको राइट आंसर बता सकूँ, क्योंकि जो हमारा मेन मोटो है कि आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। फिर भी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि गलत है तो उसका आप बुक का रेफरेंस या पेज नंबर दे के हमें भी बताएं ताकि हम अगली वीडियो में इस चीज़ को इंक्लूड करें। वैसे जहाँ तक मुझे पता है इसमें आपका पूरी तरह से ये एरर फ्री है और इसके राइट आंसर्स ही यहाँ पे दिए गए हैं। विच इज द पोजिशन ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड इन सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में जो CO स्ट्रेचिंग बैंड है उसी क्या पोजिशन रहती है, 1250, 1050, 1150 या 1100। पोजीशन ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड इन सेकेंडरी अल्कोहल वो है 1100। विच टेक्निक इज यूज फॉर स्ट्रक्चरल इलिसिडेशन। इसमें से कौन सी टेक्निक है जो कि स्ट्रक्चरल इलिसिडेशन के लिए यूज में लाई जाती है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट या इसमें से कोई नहीं। तो स्ट्रक्चरल इलिसिडेशन के लिए लाई जाती है आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन इज जनरली कॉल्ड। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो कि एब्जॉर्प्शन मेजर करने के लिए विजिबल रीजन में यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोमीटर कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, कोलोरीमीटर कहते हैं या विजिबोमीटर कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कोलोरीमीटर। वेवलेंथ ऑफ खाली जगह रेडिएशन स्टार्ट्स एट 8000 एंगस्ट्रॉम एंड एंड्स एट 4000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ खाली जगह रेडिएशन स्टार्ट्स एट 4000 एंगस्ट्रॉम एंड एंड्स एट 2000 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ है वो किस रेंज तक किसकी रहती है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो आपका स्टार्ट होती है 8000 एंगस्ट्रॉम से और ख़त्म होती है 4000 एंगस्ट्रॉम पे, तो वो होती है आपकी यूवी रेडिएशन। और जो विजिबल रेडिएशन होती है वो आपका 4000 से स्टार्ट होकर 2000 पे ख़त्म होता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू। अब इन दोनों में कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। जो फॉर्मूला है, जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है वो कौन सा सही है। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर इन मेजरिंग द कंसंट्रेशन अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन या ट्रू वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन अपॉन एरर इन मेजरिंग द कंसंट्रेशन। तो आपके फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से यहाँ टिक कर दोगे, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर इन मेजरिंग द कंसंट्रेशन अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन। If colorimetric analysis is carried out in the UV region of the spectrum, the source used is a। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अगर colorimetric analysis यहाँ पे कैरी किया जाता है UV region में तो source कौन सा यूज करेंगे हम लोग, Nernst glower, hydrogen lamp, carbon arc या tungsten filament lamp। तो आपका जो source यूज होगा वो होगा hydrogen lamp। If the relative height in parent peak decreases in the following order। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर है आपका, तो उसमें अगर हम बात करें रिलेटिव हाइट की जो पेरेंट पीक होती है वो किस ऑर्डर में डिक्रीज होती है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका। तो एरोमेटिक कंजुगेटेड ऑल्फिन्स या अनब्रांच कीटोन्स एमाइंस। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वही यहाँ पे सही है कि एरोमेटिक, फिर इसके बाद जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा वो कंजुगेटेड ऑल्फिन्स, फिर अनब्रांच्ड, फिर कीटोन्स, फिर एमाइंस। Which fixed drug combination is not banned in India? तो इसमें से कौन सा आपका fixed drug dose है या combination है जो कि banned नहीं है इंडिया में, ये आपको बताना है। तो penicillin with sulfonamides, tetracycline with vitamin C, strychnine and caffeine in tonics या none of the above। मतलब ये सारी ही आपकी banned है। तो दोस्तों ये सारी ही आपकी बैंड ड्रग है, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये सभी बैंड है, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दी अबव। फिर आपका बीसीजी प्लस ओपीवी का जो फर्स्ट डोज है वो कब दिया जाता है, एट 6 वीक्स, एट 9 मंथ, 10 साल पे या बर्थ के समय। तो आपका जो बीसीजी और ओपीवी का जो फर्स्ट डोज है वो दिया जाता है आपका एट बर्थ। ब्रिटिश एंटी लिवसाइट और BAL इज द नेम ऑफ विच चिलेटिंग एजेंट। तो ब्रिटिश एंटी लिविसाइट या BAL जो है
वो किस चिलेटिंग एजेंट का नेम है ये आपको बताना है। डाइमर कैप्रोल, डाइसोडियम इटिटेट, कैल्शियम डाइसोडियम इटिटेट या तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है डाइमर कैप्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टी सेल इनहिबिटर्स, तो इसमें से कौन से टी सेल इनहिबिटर्स हैं, एजाथियोप्रिन, साइक्लोफोस्फामाइड या प्रेडनिसोलोन, मीरोमोनाब या क्लोरमबुसिल, मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस। तो इसमें जो आपके टी सेल इनहिबिटर्स हैं, आपको जैसे मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सबके बस क्लासिफिकेशन रटने, तो इसमें जो टी सेल इनहिबिटर्स हैं वो है आपके साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस। विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन, मेथोट्रेक्सेट किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी कैंसर है, एंटी इमिटिक्स है या डायोरेटिक्स है, तो ये एंटी कैंसर है। फिर विच इज द फर्स्ट बेंजिया मिडाजोल पोलेंथेलमिंटिक इंट्रोड्यूस इन 1961 विच इज प्रैक्टिकली कवर्ड ऑल स्पीसीज ऑफ नेमेटोड्स इन्फेस्टिंग द जीआईटी। तो इसमें से कौन सी ऐसी फर्स्ट बेंजिया मिडाजोल है पॉलीएंथेलमिंटिक थी जो कि इंट्रोड्यूस हुई 1961 में, जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारे ही स्पीसीज निमेटोड्स को वो कवर करती है, तो ये है आपकी थाया बेंडा जोल। विच ड्रग इज यूज फॉर बोथ इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोबियसिस, तो इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोबियसिस के लिए कौन सी ड्रग यूज में लाई जाती है, मेट्रोनिडाजोल, निटाजोक्सानाइड या डिहाइड्रोइमेटिन या इमेटिन। तो राइट आंसर है आपका मेट्रोनिडाजोल। फिर है आपका हेलोफेंट्राइन एंड ल्यूमिफेंट्राइन आर यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग्स, दीज फॉल्स इन विच क्लास, तो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है हेलोफेंट्राइन और ल्यूमिफेंट्राइन, तो ये किस क्लास में ये इन्हें असेंबल किया जाता है, सिंचोना एल्कलॉइड में, सल्फोनामाइड्स में, टेट्रासाइक्लिन में या अमीनो एल्कोहल्स में। दोस्तों ये आपके अमीनो एल्कोहल्स में ये फॉल करती हैं, ये जो ड्रग है इस क्लास में अमीनो एल्कोहल्स में आती हैं। तो दोस्तों इसमें आप भूलिएगा मत कि आपका जो मोन मेटो अगर सॉरी आपका जो मेन मोटो है, अगर आप यहाँ पे नहीं भी आंसर दे पा रहे हैं तो यही है कि उस चीज़ को आप निकालिए, बुक में ढूंढिए, उससे क्या होगा कि आप फिर से बुक को पलटेंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके नज़र में आती जाएंगी, आप ऊपर नीचे उसके पढ़ोगे तो आपका वहाँ पे जो काम है आसान हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वही आए, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाँ ये आ सकते हैं, अगर ये नहीं आएंगे तो इससे जो ऊपर नीचे हैं वो आ सकते हैं, तो इसलिए एक वो है, इससे आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। फिर नेशनल मलेरियल इराडिकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन NMEP कब स्टार्ट हुआ था, 1948, 1958, 1968 ने 1978। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP स्टार्ट हुआ था 1958 में। फिर सोडियम स्टेबल ग्लूकनेट या एम्फोट्रिसिन या कीटोकोनाजोल या एलोप्रिनोल ड्रग्स आर क्लासिफाइड अंडर, तो ये किस क्लासिफिकेशन के अंडर आती हैं, लिशमैनियासिस, ट्राइकोमैनियासिस, अमोबियासिस या जीआरडीएसिस, तो ये ड्रग्स आती है लिशमैनियासिस में। फिर ए साइक्लोविर से आपका ए साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट बनता है और उससे बनता है ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे आपका कौन सा एंजाइम यूज होता है, जैसे पहला ऑप्शन आपका कि ए साइक्लोविर से ए साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट बनने के लिए सेलुलर काइनेज यूज होता है, फिर थायमिडीन काइनेज यूज होता है, तो ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ए साइक्लोविर पे थायमिडीन काइनेज एक्ट करता है तो वो ए साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट बनता है, वहां पे फिर सेलुलर काइनेज एक्ट करता है तो वो ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बनता है, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर नेविरापिन और इफावेरेंज आर, तो ये जो नेविरापिन है और आपकी इफावेरेंज ड्रग है ये क्या है, रिट्रोवायलर प्रोटीएस इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं या न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अंदर आते हैं या आपके नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं या नन ऑफ द अबव, ये आते हैं आपके नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के अंदर। फिर विच हैज द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो इसमें से ये मैकेनिज्म किसका है, दे इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम
लेनेस्ट्रॉल 14 डीमिथाइलेज एंड थस इम्पेयर एर्गेस्ट्रॉल सिंथेसिस लीडिंग टू अ कैस्केड ऑफ मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज इन दी फंगस। अजोल्स का है, इमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स का है, या पॉलिन्स एंटीबायोटिक्स का है, या एलिलामीन का है। तो ये जो मैकेनिज्म है कि ये जो फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम है जो कि लेनेस्ट्रॉल 14 डीमेथिलेज है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं, तो ये किसका मैकेनिज्म है? तो ये है आपका इमिडाजोल एंड ट्राइजोल्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसमें से सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है? आइसोनियाजिड है, इथेम्बुटॉल है, या रिफेम्पिन है, या पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड है? तो ये है आपका पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड, ये है सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फिर इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरफेयरिंग विद ट्रांसफर ऑफ द इलोंगेटिंग पेप्टाइड चेन टू द न्यूली अटैच्ड अमीनो एसिड tRNA at the ribosome mRNA complex. It is an antimicrobial drug. Tetracycline है, doxycycline है, chloramphenicol है, या penicillin G है? इन चारों में से कौन है जो कि inhibit करता है bacterial protein synthesis को by interfering with transfer of the elongating peptide chain to the newly attached amino acyl tRNA at the ribosome mRNA complex? ये किसका मैकेनिज्म है? तो ये है क्लोरामफेनिकोल ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन, द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन कौन है? लोमीफ्लोक्सेसिन है, नॉरफ्लोक्सेसिन है, लीवोफ्लोक्सेसिन, या स्पारफ्लोक्सेसिन है? ये है आपका नॉरफ्लोक्सेसिन। फिर कॉट्रीमोक्सेजोल इज द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो जो कॉट्रीमोक्सेजोल है वह किसका कॉम्बिनेशन है? ट्राईमेथोप्रिन या प्लस सल्फामेथोक्सेजोल का, या सल्फाडॉक्सिन प्लस नेफिनाइट का, या सल्फाडाइजीन प्लस सल्फासेलाजीन का, सल्फामेथोक्साजोल प्लस नॉरफ्लोक्सेसिन का? तो ये है ट्राईमेथोप्रिन प्लस सल्फामेथोक्साजोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, तो इसमें से कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग क्लासिफिकेशन के अंडर फॉल करती है? क्लोरामफेनिकोल, पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या टेट्रासाइक्लिन? तो ये फॉल क्लोरामफेनिकोल, आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। फिर फॉर्मूला फॉर WHO ORS का है NaCl 2.6 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम, फिर आपका ग्लूकोज 13.5 ग्राम, और वाटर जो है 1 लीटर। साथ में एक और कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि जिसकी मात्रा है 2.9 ग्राम, वो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ट्राइसोडियम सिट्रेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फेरस सल्फेट है? तो दोस्तों ये है आपका ट्राइसोडियम सिट्रेट, WHO ORS में ट्राइसोडियम सिट्रेट की मात्रा 2.9 ग्राम है। दीज आर हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस विच एग्जर्ट कोलाइडल ऑस्मेटिक ओनोटिक प्रेशर एंड वेन इन्फ्यूज आईवी रिटेन फ्लूड इन दी वेस्कुलर कंपार्टमेंट, दे आर यूज टू करेक्ट हाइपोवोलिमिया ड्यू टू लॉस ऑफ प्लाज्मा ब्लड। तो दोस्तों कौन से इनमें है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, रेजिन, स्टेटिन, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जो कि हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं जो कि कोलाइडल ऑस्मेटिक जो कि आपका ओनोटिक प्रेशर है वो एग्जर्ट करते हैं when infused IV, retain fluid in vascular compartment, और ये use किए जाते हैं hypovolemia को correct करने के लिए। तो दोस्तों ये है आपके plasma expanders। Prothrombin is converted to thrombin with the help of coagulation cascade। तो जो आपका prothrombin है वो convert होता है thrombin में। तो दोस्तों ये आपका convert होता है तो इसमें आपका कौन सा element, कौन सा constituent, कौन सा आयन इसमें यूज होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, थ्रोम्बिन, फॉस्फेट। तो दोस्तों आपका यहाँ पे कैल्शियम यूज होता है, तो थ्रोम्बिन में कैल्शियम जो है वो कैटलिस्ट का यूज करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। फिर हाई एफिकेसी डायरेटिक्स कौन है इसमें? क्लोपामाइड है, एसिटाजोलामाइड है, मैनिटॉल है, या फिरोसिमाइड है? तो हाई एफिकेसी डायरेटिक्स है फिरोसिमाइड। विच इज द बीटा प्लस अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, तो इसमें से कौन सा है जो कि बीटा प्लस अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है? प्राजोसिन है, लोसार्टन है, लेबिटलॉल है, या क्लोनिन डीन है? तो ये है आपका लेबिटलॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग एक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, तो लॉन्ग एक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर ड्रग कौन है? ग्लिसरिल ट्राइनेट्रेट है, आइसोसॉर्बाइड डाइनेट्रेट है, वेरापमिल है, डिल्टियाजेन है? तो आपका लॉन्ग एक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है आइसोसॉर्बाइड डाइनेट्रेट। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स डेवलप्ड फॉर यूज इन डिमेंशिया एंड अदर सेरेब्रल डिसऑर्डर, तो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ड्रग जो कि डेवलप की गई है
डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के यूज़ के लिए, और अदर जो आपके सेरिब्रल डिसऑर्डर है उसके लिए। तो कॉग्निशन इन्हांसर्स इसके यूज़ में आते हैं, या सेरिब्रो एक्टिव ड्रग्स आते हैं, या ये दोनों ही इसके यूज़ में आते हैं, या इसमें से कोई भी यूज़ में नहीं आता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ दी अबव। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स विच आर Na+5 HT रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इसमें से कौन है जो कि Na+5 HT रीअपटेक इनहिबिटर्स है? डिसिप्रामीन है, नॉरट्रिप्टेलिन है, इमिप्रामीन है, फ्लोक्सिटीन है। तो ये है इमिप्रामीन। हेलुसिनोजेंस आर ऑल्सो नोन बाय द नेम एक्सेप्ट। तो जो हेलुसिनोजेन है वो किस नाम से नहीं जाना जाता है? यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, किस नाम से नहीं जाना जाता? साइकोटोमाइमेटिक्स, साइडेलिक्स, साइकोटोजेंस, या साइलोसाइबिन। तो दोस्तों साइलोसाइबिन इसका नाम नहीं है, हेलुसिनोजेन है, उसको हम साइकोटोमाइमेटिक्स भी कहते हैं, साइकेडेलिक्स भी कहते हैं, साइकोटोजेंस भी कहते हैं। MAO-B इनहिबिटर्स एंटी पार्किंसोनियन ड्रग इसमें से कौन है? सेलिजिलिन है, इंटाकेपोन है, एमेंटाडीन है, ट्राईहेक्सी फिनिडिल है। तो दोस्तों ये है आपका सेलेजिलिन। द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट गाबा रिसेप्टर, सीडेटिव हिप्नोटिक्स में आपका जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट गाबा रिसेप्टर कौन है? बारबिट्रेट है, बिकुलिन है, फ्लुमेजनिल है, या बी कार्बोलिन है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट गाबा रिसेप्टर, तो ये है आपका बिकुलिन। दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और फिर वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। डाइसल्फ्राम हैज बीन यूज एज एन एवर्सन टेक्निक इन क्रोनिक एल्कोहलिक्स हु आर मोटिवेटेड एंड सिंसियरली डिजायर टू लीव द हैबिट ऑफ एल्कोहल, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दोस्तों आपको जो डाइसल्फ्राम है वो लोग यूज करते हैं जो सिंसियरली अपने ड्रिंकिंग हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर है, CNS डिप्रेशन एक्शन है, या एल्कोहल हाइड्रोजिनेज इनहिबिटर है, या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो डाइसल्फ्राम का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर। विच आर द लॉन्ग एक्टिंग न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट? तो लॉन्ग एक्टिंग न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इसमें से कौन है? डी ट्यूबोक्यूरिन, एट्राक्यूरिमिन, मीवाक्यूरियम, या सीसाट्राक्यूरियम। तो आपका डी ट्यूबोक्यूरिन जो है वो है लॉन्ग एक्टिंग न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। टोकोलिटिक्स आर यूट्रीन स्टिमुलेंट, यूट्रीन रिलैक्सेंट, यूट्रीन इनहिबिटर्स, या नन ऑफ द अबव। टोकोलिटिक्स क्या होते हैं? वो होते हैं यूट्रीन रिलैक्सेंट। गोसिपॉल इज यूज्ड एज फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। गोसिपॉल इज यूज्ड एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। विच इंसुलिन एनालॉग आर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर? इंसुलिन एनालॉग विथ लाइसिन रिप्लेसिंग एस्पराजीन एट B23 एंड ग्लूटामिक एसिड रिप्लेसिंग लाइसिन एट B29। तो इसमें से कौन सा इंसुलिन एनालॉग की यहाँ पे बात हो रही है कि इंसुलिन एनालॉग विथ लाइसिन रिप्लेसिंग एस्पराजीन एट B23 और ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है लाइसिन रिप्लेसिंग लाइसिन एट B29। तो ये बात हो रही है इंसुलिन ग्लूलिसिन। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क द टेम्परेचर इम्प्लॉयड। तो दोस्तों जो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क होता है तो इसमें से जो टेम्परेचर उसके लिए पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा इसमें से करेक्ट है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 सेकेंड, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 45 सेकेंड। तो इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड बी, मीन्स 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट या 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड आप जब रखोगे तो ये पॉस्चराइजेशन कर देता है मिल्क का। मैकिंटोस फील्स जार इज यूज्ड फॉर एरोबिक कल्चर मेथड के लिए, अनएरोबिक कल्चर मेथड के लिए, दोनों के लिए, या इसमें से किसी के लिए ये यूज में नहीं आता? मैकिंटोस फील्ड्स जार इज यूज फॉर एनएरोबिक कल्चर मेथड। प्रोसेस वेयर बाई अ मेल और डोनर बैक्टीरियम मेट्स और मेक्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ फीमेल और रिसिपियंट बैक्टीरियम एंड ट्रांसफर जेनेटिक एलिमेंट्स इन टू इट इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें एक मेल या डोनर बैक्टीरियम मेट करता है
आपका ये फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाता है फीमेल या रेसिपियन बैक्टीरियम के साथ और ट्रांसफर कर देता है जेनेटिक एलिमेंट को उसके अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइसोजेनिक कन्वर्सन, कंजुगेशन या ट्रांसडक्शन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंजुगेशन। टू डिटेक्ट द फीकल पोल्यूशन ऑफ वाटर विद बैक्टीरिया सीन इन टेस्ट। तो दोस्तों अगर आपको फीकल पोल्यूशन वाटर में पता करना है कि कितना गंदा है, कितना इसमें फीकल पोल्यूशन है, तो किस बैक्टीरिया को देख के आप पता करेंगे, कॉलीफॉर्म को, परफ्रिंजेस को, ब्यूट्रीसियम को, स्ट्रेफ और येस को। तो दोस्तों कॉलीफॉर्म को उसमें देखा जाता है। सीसम ऑयल बिलोंग्स टू फैमिली। तो सीसम ऑयल किस फैमिली को बिलोंग करती है, ग्रामिने, इफोरबियसी, लेग्यूमिनेसी या पेडियलेसी। तो सीसम ऑयल बिलोंग्स टू पेडियलेसी। फिर 80% वर्ल्ड सप्लाई ऑफ कोलोफोनी इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो कोलोफोनी का 80% सप्लाई है वो किसके द्वारा जाता है, स्पेन, इंडिया, यूएसए या चाइना। तो दोस्तों ये जाता है यूएसए। यूएसए 80% कोलोफोनी की सप्लाई करता है। विच वन ऑफ दीज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स। तो पेंसिलिन, टेट्रामाइसिन, बैकीट्रेसिन या स्ट्रिप्टोमाइसिन में से कौन से मोल्ड से प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये बैकीट्रेसिन है जो कि मोल्ड से प्रोड्यूस नहीं होता। फिर से यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल था, जब भी नॉट आए तो आप सिंसियर होके, थोड़ा सा कॉशियस होके वहां पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मिल्क शुगर इज नोन एज। तो मिल्क शुगर को हम और क्या कहते हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या सक्रोज। तो मिल्क शुगर इज नोन एज लैक्टोज। द लीव्स ऑफ टाइलोफोरा इंडिका आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो जो टाइलोफोरा इंडिका है उसकी जो पत्तियां हैं वो किस ट्रीटमेंट को यूज में आती हैं, एस्थमा, जनरल डेबिलिटी, कफ या इच। एस्थमा के लिए, जनरल डेबिलिटी के लिए, कफ के लिए या इच के लिए। तो दोस्तों ये एस्थमा के उपचार के लिए यूज होती है। फिर फ्रूट सिट्रस कोलिनिथिस कंटेन क्यूकर बिटेसिंस एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली। तो किस फैमिली को बिलोंग करता है फ्रूट सिट्रस कोलोसेंथिस, जिंजिब्रेसी, रूटेसी, क्यूकुरबिटेसी या कॉनवल्वुलेसी। तो दोस्तों ये बिलोंग करता है क्यूकुरबिटेसी में। रिसेंट एंटी फंगल एजेंट फॉर टॉपिकल यूज इज। तो जो आपका रिसेंट एंटी फंगल एजेंट फॉर टॉपिकल यूज कौन सा है, निस्टेटिन है, एम्फोट्रेक्सिन बी है, कीटोकोनाजोल है या फ्लूकोनाजोल है। तो दोस्तों ये है आपका निस्टेटिन। कंसेंट्रेशन ऑफ पीवीपी एज अ बाइंडर इज 1-5%, 0.5-3%, 2-15%, 0.1-0.5%। तो कंसेंट्रेशन ऑफ पीवीपी बाइंडर इज 0.5-3%। इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी अ पोलर सोल्यूट टेंड्स टू बी सॉल्व्ड इन पोलर फेस, नॉन पोलर फेस, एम्फोट्रिक फेस या न्यूट्रल फेस। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में पोलर सोल्यूट टेंड्स टू बी सॉल्व्ड इन पोलर फेस में, नॉन पोलर फेस में या एम्फोट्रिक फेस में या न्यूट्रल फेस में। तो ये पोलर फेस में सॉल्व्ड होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड। तो जो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इन चारों में से किस फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट है। ये मॉलिश टेस्ट इज नॉट पॉजिटिव इन। तो जो मॉलिश टेस्ट है आपका वो किसमें पॉजिटिव नहीं है, वो किसमें पॉजिटिव नहीं पाया जाता है, स्टार्च में, अगार में, प्लांटेगो में या जिलेटिन में। तो ये जिलेटिन में नहीं पाया जाता। फिर गवर्नमेंट ऑप्टिमम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट। तो जो आपकी गवर्नमेंट ऑप्टिमम फैक्ट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, गाजीपुर में, कलकत्ता में, श्रीनगर में, लखनऊ में। तो ये गाजीपुर में। फिर हाई आयोडीन वैल्यू ऑफ लिपिड इंडिकेट। तो जो हाई आयोडीन वैल्यू है लिपिड की वो क्या इंडिकेट करती है, पॉलीमराइजेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अनसेचुरेशन। तो ये इंडिकेट करती है अनसेचुरेशन को। फिर अल्कोहलिक सोल्यूशन इज मिल्की विद दी कंपाउंड। तो जो अल्कोहलिक सोल्यूशन है वो किस कंपाउंड से मिल्की अपियर होता है, ग्लूटाथिमाइड, पैरल्डिहाइड, क्लोरम्बिसिल या क्लोरल हाइड्रेट। तो ये क्लोरल हाइड्रेट के साथ मिल्की सोल्यूशन वहां दिखाता है। सक्रोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अंडर प्रेशर यील्ड। तो जो सक्रोज है उसको जब हम देर तक हीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ अंडर प्रेशर, तो क्या यील्ड करता है, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या सैक्रिक एसिड। तो वो यील्ड करता है लैक्टिक एसिड को। फिर अ मेटल आयन सेंसिटिव इंडिकेटर इज यूज टू डिटेक्ट चेंज ऑफ। तो जो मेटल आयन है सेंसिटिव इंडिकेटर वो क्या चीज डिटेक्ट कर क्या चीज डिटेक्ट करता है, पीएच को, एसिडिटी को, बेसिसिटी को या आपका पीएम को। तो वो आपका करता है पीएम को।
मिल्क इज डिफिशियंट ऑफ विच मिनरल, तो जो मिल्क है वो किस मिनरल मतलब कौन से मिनरल उसमें नहीं पाया जाता, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन या पोटेशियम। तो ये आपका आयरन उसमें नहीं पाया जाता, बाकी उसमें सारे ही ये मिनरल्स पाए जाते हैं। द सेल डिवीजन हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट इज, तो ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, IAA में आपका सेल डिवीजन हार्मोन कौन सा है, ये है आपका साइटोकिनिन्स। फिर टाइप वन ड्रग एलर्जी इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, जो आपका टाइप वन ड्रग एलर्जी है वो किस एंटीबॉडी को इन्वॉल्व करती है, IgG, IgM या IgE या इसमें से कोई नहीं, तो IgE आपका टाइप वन ड्रग एलर्जी में इन्वॉल्व रहता है। रेनिसिडिटी ऑफ अ फैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, सेपोनिफिकेशन या न्यूट्रलाइजेशन, तो रेनिसिडिटी ऑफ अ फैट इज ड्यू टू आपका हाइड्रोलिसिस। फिर इरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, तो जो इरिथ्रोमाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक है और वो बिलोंग करता है किस क्लास को, बीटा लैक्टिन को, पेप्टाइड को, अमीनोग्लाइकोसाइड को या मैक्रोलाइड को, तो ये बिलोंग करता है मैक्रोलाइड को। PEG इज डैश सर्फेक्टेंट, एनायनिक है या एनायनिक एंड कैटायनिक डिपेंडेंट, डिपेंडिंग ऑन pH है या नॉन एनायनिक है या कैटायनिक है, तो PEG इज अ नॉन एनायनिक सर्फेक्टेंट। फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, तो जो आपका PCI है वो कितने साल के बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल, तो हर 5 साल बाद ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है। नॉनसेंस कोडोन्स ऑफ प्रेजेंट और RRNA, mRNA, tRNA या नन ऑफ दी अबव, तो नॉनसेंस कोडोन्स ऑफ प्रेजेंट ऑन mRNA, मैसेंजर RNA। ड्रेजिस टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ लिपस्टिक, शैम्पू, नेल पॉलिश या नन, ड्रेज टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ये शैम्पू के लिए किया जाता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट टायरोसिन प्रोडक्ट, इसमें से कौन से टायरोसिन प्रोडक्ट नहीं है, मॉर्फिन, थायबीन, निकेलिन, कोडिन, तो निकेलिन आपका टायरोसिन प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सब टायरोसिन प्रोडक्ट है। फिर हेडक्वार्टर फॉर इंडियन फार्माकोपिया इज एट, तो जो आपका इंडियन फार्माकोपिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सूरत, श्रीनगर, गाजियाबाद, बॉम्बे, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है गाजियाबाद में। इसकी स्पेलिंग दोस्तों थोड़ा सा गलत है, COPOEIA होगी, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गाजियाबाद में। फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जेट, इसमें से ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है 273.16 केल्विन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, तो आपको ध्यान रखना है केल्विन। इन आइडियल गैस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ आर इज, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसमें एक आर होता है, उस आर की वैल्यू क्या होती है, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.82 लीटर एटम पर मोल पर डिग्री, 0.82। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर, तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कब पास हुआ था, 1871, 1980, 1971, 1949, तो पास हुआ था 1971 में। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड, तो जो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो एक पॉइंट से पास हो रही है हर सेकंड, तो उसको क्या कहते हैं या क्या कहा जाएगा, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर एक्रोलिक टेस्ट इज गिवन बाय, तो जो एक्रोलिक टेस्ट है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ग्लिसरॉल के लिए, ग्लाइकोसाइड के लिए, स्फिंजोल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो ये ग्लिसरॉल के लिए दिया जाता है। इमेटिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो जो इमेटिन है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लाई जाती है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, अमोबियसिस या नन ऑफ द अबव, तो ये अमोबियसिस के लिए यूज में लाई जाती है, इमेटिन अमोबियसिस के लिए लाई जाती है यूज में। फिर जो आपका बिफ्रेन है बिलोंग्स टू शेड्यूल, किस शेड्यूल में बिलोंग करती है, XBGH, तो ये आपका H शेड्यूल को बिलोंग करती है। लाइसेंस टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड C एंड यहाँ पे दोस्तों होगा C1 एंड C1 इज गिवन इन फॉर्म नंबर, तो जो लाइसेंस है ड्रग को सेल करने का, जैसे कि मैंने आपको जीरिस वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें तो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं वहाँ पे, तो जो लाइसेंस है आपका टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड सी एंड सी वन वो किस फॉर्म में दिया जाता है, 24 जो आपका है फॉर्म नंबर उसमें ये दिया जाता है। फिर इमल्सन मेड विथ ट्विंस आर, तो जो इमल्सन ट्विंस के साथ बनाए जाते हैं वो क्या है, वाटर इन ऑयल है, क्लियर है या ऑयल इन वाटर है या अनस्टेबल है, तो ये इमल्सन हुआ आपका ऑयल इन वाटर। विच कैप्सूल साइज हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, तो इसमें से किस कैप्सूल का स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होता है इन रेफरेंस टू साइज, 4105,
तो जो 5 है वो सबसे छोटी होगी। द मॉलिच टेस्ट इज नॉट पॉजिटिव इन, तो दोस्तों ये जो आपका मॉलिच टेस्ट है ये किस में पॉजिटिव नहीं होता है, ये आपका स्टार्च में नहीं होता है। तो एक बार थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा, शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फिर नेलोरोफिन इज नॉट यूज्ड एज एंटीडोट फॉर, तो जो नेलोरोफिन है वो एंटीडोट के रूप में नहीं यूज होती है पेथिडिन में, हीरोइन में, मॉर्फिन में या पेंटोजिसिन में, तो पेंटोजिसिन में नहीं यूज होती। फिर व्हाट लोडिंग डोज यू रिकमेंड, तो लोडिंग डोज के लिए आप क्या रिकमेंड करते हो, 1350 mg, 93.6 mg, 100 mg या 500 mg, 1350 mg आपका लोडिंग डोज होता है। एग्जाम्पल ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इज MP, NAD, UDP या FAD, तो जो एग्जाम्पल है पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का वो है आपका UDP। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल गिव्स, तो जो आपका अगर आप वोलेटाइल ऑयल का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन, आइसोप्रीन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कोहल, तो आपको मिलता है आइसोप्रीन। विच वन ऑफ दीज इज यूज एज आइसोटोनिसिटी एजस्टर, तो इसमें से कौन सा है जो कि आइसोटोनिसिटी एजस्टर के रूप में यूज होता है, डेक्सट्रोज, बोरिक एसिड, NaCl या सारे, तो ये जितने भी हैं आपके डेक्सट्रोज, बोरिक एसिड, NaCl ये सारे ही यूज में लाए जाते हैं आइसोटोनिसिटी एजस्टर के रूप में। द नेचर ऑफ प्रोपेलेंट इज डिटरमाइंड बाय, तो जो आपका प्रोपेलेंट का नेचर है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, यूवी मेथड के द्वारा, कार्ल फिशर मेथड के द्वारा या इसमें से कोई नहीं है, तो जो आपका नेचर प्रोपेलेंट है वो है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है। पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज आर नॉट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो जो पाउडर है इंटरनल यूज के लिए जो कि यूज में लाया जाता है किस फॉर्म में वो आपके यूज में लाए जाते हैं, सिरप, इंजेक्शन, टोनिक, टेबलेट एंड कैप्सूल, तो ये आपके टेबलेट एंड कैप्सूल के रूप में दिए जाते हैं। फिनोबार्बिटोल सोडियम बिलोंग्स टू, जो फिनोबार्बिटोल सोडियम है वो किस शेड्यूल को बिलोंग करता है, शेड्यूल ओ, एक्स, आर या एल, तो ये बिलोंग करता है शेड्यूल एक्स को। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज DL10, तो जो आपका लाइफ पीरियड ड्रग है वो किस शेड्यूल में हम लोग पढ़ते हैं, शेड्यूल पी, टी, आर या क्यू में, तो ये शेड्यूल पी में, पी से पीरियड होता है तो दोस्तों आपका पी में। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोल लॉरिएट इज नोन एज, तो जो आपका पॉली इथिलीन सॉर्बिटेन मोनोलॉरिएट है उसे हम और क्या कहते हैं, 1050 के नाम से जाना जाता है या 60 के नाम से, 21 के नाम से या 80 के नाम से, तो इसको जो दूसरा नाम है वो है 1021। तो इन कैप्सूल्स रोटोफिल इज यूज फॉर फिलिंग, तो जो कैप्सूल है इसमें रोटोफिल किसको फिल करने के यूज में वो लाया जाता है, पाउडर, लिक्विड, पैलेट्स या कोरोसिव लिक्विड, तो पैलेट्स को फिल करने के लिए लाया जाता है रोटोफिल कैप्सूल में। सेपरेशन ऑफ टेबलेट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज, तो टेबलेट में जो सेपरेशन होता है दो या उससे ज्यादा लेयर में तो वो क्या कहलाता है, कैपिंग, एयर इंट्रोपमेंट, लेमिनेशन या मेटलिंग, तो उसको हम कहते हैं लेमिनेशन। वीगम इज हाइड्रोकोलॉइड एंड इट्स ओरिजिन इज, प्लांट से मिलता है, मिनरल से, सिंथेटिक से या सेमी सिंथेटिक, तो ये है मिनरल। इन एम्पिरोमेट्रिक टाइट्रेशन वन ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट कॉन्स्टेंट, करंट, वोल्टेज अप्लाइड, रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, तो जो आपका एम्पिरोमेट्रिक टाइट्रेशन है तो इसमें क्या चीज कॉन्स्टेंट रखी जाती है, करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, तो आपका वोल्टेज यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टेंट रखा जाता है। फिर एरोमेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल इज, तो प्रोपेनॉल में जो एरोमेटिक न्यूक्लियस है वो क्या है, बेंजीन है, पायरिडीन है, नेप्थलीन है या एंथ्रासीन है, तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कुग्नोसी को कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों ये चीज इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि जो आपके अब क्योंकि आप वहां पे ऑप्शनल देने जा रहे हो तो आपको फिगर पता होना चाहिए कि फिगर के अंदर जो है वो जो न्यूक्लियस है वो क्या चीज है वहां पे, तो जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन है कि एरोमेटिक न्यूक्लियस प्रोपेनॉल में क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है नेप्थलीन। इथाइल 4-अमीनोबेंजोएट इज द IUPAC नेम ऑफ, तो जो IUPAC नेम इसका क्या है, इथाइल 4-अमीनोबेंजोएट का, नहीं जो मीन जो आपका इथाइल 4-अमीनोबेंजोएट है इज द IUPAC नेम ऑफ, ये किसका IUPAC नेम है, एनिलीन एसिटेट का, बेंजोसिन, बेंजोकेन का, बायोटिन का या बिथेनेकॉल का, तो ये बेंजोकेन का है, बेंजोकेन को ही IUPAC नेम होता है इथाइल 4-अमीनोबेंजोएट। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एज
प्रो हॉर्मोन्स एक्सेप्ट, तो इसमें से सारे ही प्रो हॉर्मोन्स के रूप में रिलीज होते हैं लेकिन इसमें से एक नहीं है, वो कौन है? विटामिन डी, स्टेरॉयड, इंसुलिन या पैराथायरॉइड? तो स्टेरॉयड आपका प्रो हॉर्मोन्स के रूप में रिलीज नहीं होता। एट्रोपीन हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन, तो एट्रोपीन का लीस्ट इफेक्ट होता है सीवियस, लीवर, सीएनएस या ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, तो आपका सीवियस कार्डियोवैस्कुलर का। पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर इज, तो जो ह्यूमन जो हमारे आंसू हैं उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.2, 4.6, 8.0, 7.6, तो ये होता है 7.6, 7.6। मेन यूज एज पाइपर निग्रम इज एज, तो जो पीपर निग्रम है उसका मेन यूज क्या है? एंटी पीरियोडिक है, एरोमेटिक स्टिमुलेशन, एंटी डायरियल या एंटी पायरेटिक, तो इसका जो मेन यूज है वो है एरोमेटिक स्टिमुलेशन। द ऑप्टिकल अमीनो एसिड इज, तो आपका ऑप्टिकल अमीनो एसिड कौन सा है इसमें? ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, सीरीन या वेलिन, तो आपका है ग्लिसिन। एंड एम्फियोबोलिक पाथवे अमंग द फॉलोइंग इज, तो इसमें से कौन सा है जिसका एम्फियोबोलिक पाथवे है? एच एनपी शंट, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसका है सिट्रिक एसिड साइकिल। प्रोटीन बाउंड आयोडीन इज, खाली जगह बाउंड टू प्रोटीन, आयोडीन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, थायरॉयड हॉर्मोन्स या थायरोक्सिन, तो ये है आपका थायरॉयड हार्मोन। एग्जाम्पल ऑफ नार्कोटिक ड्रग, तो इस आपका नार्कोटिक ड्रग का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? कोका, चरा, ओपियम या ऑल ऑफ द अबव, तो ये जो तीनों हैं आपके कोका, चरा, ओपियम, ये सारे ही नार्कोटिक ड्रग हैं। बेसोफिल्स हैव रिसेप्टर्स फॉर एंटीबॉडीज, तो जो बेसोफिल्स हैं उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस एंटीबॉडी के लिए होते हैं? आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए, तो ये आईजीई के लिए होते हैं। टोकोफेरॉल्स प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, तो जो टोकोफेरॉल होते हैं वो ऑक्सीडेशन किसका नहीं होने देते? वो विटामिन ए का प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एन आइडियल सस्पेंशन, आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 1। विच कंपाउंड इज ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इसमें से कौन सा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है? अकेसिया है। कोरिएंडर ऑयल कंटेन्स ब्लैंक परसेंट ऑफ लिनालूल, तो जो कोरिएंडर ऑयल है उसमें कितना परसेंट लिनालूल का होता है? 4%, 20%, 8% या 80%, तो इसमें 80% मीन्स मेजर पोर्शन होता है इसका। फिर विच ड्रग शुड नेवर बी अलाउड टू एयर ड्राई, कौन सी ड्रग है जिसको कभी भी एयर ड्राई नहीं होने देना चाहिए? सेना, रोल्फिया, डिजिटेलिस या हेम, तो ये है सेना। ट्राइकोम्स मेनली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 3, 2, 4 या 5? इसका राइट आंसर है 2 पार्ट्स। पोडोफाइलम रेसिन इज यूज एज एंटी कैंसर, एंटी मलेरिया, साइटोटॉक्सिक, एंटी डायबिटिक, तो पोडोफाइलम रेसिन किसके लिए यूज मिलाया जाता है? तो ये है आपका साइटोटॉक्सिक के लिए। द एकोनाइट प्लांट इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम सीड्स, ट्यूबर्स, राइजोम, स्टेम कटिंग, तो जो एकोनाइट प्लांट है वो कहाँ से प्रोपोगेट होता है? सीड से, ट्यूबर से, राइजोम से, स्टेम कटिंग से, तो ये होता है ट्यूबर से। स्टायरेक्स पेरेलियो न्यूरोस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रोमा, सुमित्रा बेंजोइन, सियाम बेंजोइन, क्लैडना, तो ये होता है सुमित्रा बेंजोइन से। विच इज यूज एज गैस्ट्रिक साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट, इसमें से कौन सा जो कि गैस्ट्रिक साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में यूज होता है? PGE1, C एल्प्रोस्टेडिल या आपका PGF डाइनोप्रोस्ट या PGE2 डाइनोप्रोस्टोन या मिसोप्रोस्टोल, तो ये होता है आपका मिसोप्रोस्टोल के रूप में। ये वेंगर्स टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, जो वेंगर टेस्ट होता है वो किसके प्रेजेंस के डिटेक्ट के लिए यूज में लाया जाता है? स्टेरॉइड, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड या टर्पीन, तो ये लाया जाता है एल्कलॉइड के लिए। फिर बेंजिल क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनाइड इज यूज एज द स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो जो बेंजिल क्लोराइड है, पोटेशियम साइनाइड है, वो एज ए स्टार्टिंग कंपाउंड किसके सिंथेसिस के लिए लाया जाता है? इथोसक्सिमाइड, ग्लूटाथिमाइड, मैलिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, तो लाया जाता है ग्लूटाथिमाइड के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके 125 क्वेश्चन। अब इसमें से आपके जितने भी राइट है उसको जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कितने नंबर आए। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चला क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और फिर अपलोडिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, और आज जैसा कि संडे है तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा
कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये सारी चीजें आप खुद बुक में सर्च करिएगा। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप ये जरूर सर्च करिएगा कि ये बुक में किस पार्ट में है। तो इस तरह आप सारी चीजें वहां पे कवर कर लेंगे इम्पोर्टेंट, और आपके वहां पे मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा और आप इस एग्जामिनेशन को बहुत ही इजीली वहां पे क्वालिफाई कर जाओगे। और जो दोस्तों नए बच्चे हैं अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि जीपैट के ऊपर बहुत सी अच्छी वीडियोस इस चैनल में पड़ी हुई हैं। सिंपली आपको पहले से सब्सक्राइब कर लेना है, और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको जीपैट 2019 के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा जिसमें सारी वीडियो पड़ी हुई हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। और अब जैसे कि बहुत ही कम दिन बचे हैं तो उसके लिए भी कुछ वीडियो है कि आपको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो 100% आपके यूज में आएंगी, क्योंकि आपको वहाँ पे कैसे एग्जाम करना है ये चीज़ भी बहुत मैटर करता है। प्रिपरेशन तो आपकी मेजर चीज़ है ही है, साथ ही साथ आप वहाँ पे क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है तो उसके ऊपर डू एंड डोंट्स के ऊपर वीडियो है, और कैसे वहाँ पे तुक्का मारने हैं, क्या हमें सब अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने हैं, तो ये सारी चीज़ें तुक्के के ऊपर भी इवन मैंने वीडियो बनाई है वहाँ पे, तो आप उस चीज़ों को देख सकते हैं समझ सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों ये जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने खुद अपने जो है बुक से यहाँ पे कंक्लूड किए, लेकिन समय शॉर्ट होने की वजह से फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके गूगल से भी उठाए हैं, लेकिन वहां से भी वही क्वेश्चन उठाए हैं जिनका इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर आप मुझे बताइएगा, साथ ही साथ आप थम्सअप जरूर करिएगा, मीन्स लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को, और साथ ही साथ अगर अभी इन 5-6 दिनों में कोई ऐसा टॉपिक आपके मन में घूम रहा है जिसपे वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल हो सकती है तो वो भी मुझे बताइएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको अब कौन सी वीडियो आगे चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, और अगर कोई और हेल्प चाहिए होगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।